दोस्तों वेट लर्न में आप सभी का स्वागत है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 66वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा यानी 66वीं BPSC का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अपनी वेबसाइट पर BPSC द्वारा 66वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और सबसे बड़ी खुशखबरी है कि नोटिफिकेशन जारी करते के साथ साथ BPSC अपने साइट पे एक और नोटिफिकेशन जारी किया है जो 66वीं प्रतियोगिता परीक्षा के PT एग्जाम से संबंधित है। BPSC के द्वारा संभावित PT का एग्जाम का डेट 27 दिसंबर 2020 रखा गया है जो सबसे बड़ी खुशखबरी है। सभी विद्यार्थियों को बेसब्री से 66वीं BPSC के वैकेंसी का इंतजार था। ये लग रहा था कि वैकेंसी कब आएगा, पोस्ट कितने आएंगे, एग्जाम कितने कब लिया जाएगा, जो सभी पे विराम लगाते हुए BPSC ने एग्जाम की डेट भी घोषित कर दिया है। नोटिफिकेशन तो जारी किया ही है, साथ साथ एग्जाम की डेट भी घोषित कर दिया है, इसलिए इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। सभी विद्यार्थी जी जान से यानी आर और पार वाली तैयारी में लग जाएं ताकि जो भी हो इस बार सक्सेस हो ही जाएं। आर और पार वाली एकदम दिमाग में बिठा लीजिए कि या तो इस पार या तो उस पार, यानी 27 दिसंबर 2020 को ये PT का एग्ज़ाम BPSC लेगा। ये डेट भी अपने वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है। जैसा कि आप लोगों ने देख रहे होंगे या नोटिफिकेशन आप लोग BPSC के साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें कुल पोस्ट आपका रखा गया है 562 कुल पोस्ट रखा गया है। आप लोग जैसा कि देख रहे होंगे 562 कुल पोस्ट, जैसा कि सभी को इंतजार था कि लगभग 800 से 1000 वैकेंसी रहेगा, किंतु 562 भी कम वैकेंसी नहीं होता है। इस बार SDM का नोटिफिकेशन में एक भी वैकेंसी नहीं है, किंतु SDM का वैकेंसी नहीं है तो क्या हुआ, अदर तो वैकेंसी है ना, इसलिए आप लोग टेंशन नहीं लें, वैकेंसी काफ़ी है, 562 बहुत वैकेंसी है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग जी जान से, सभी विद्यार्थी जी जान से इसमें आर और पार वाली नारा लगा करके इसकी तैयारी में लग जाएं। शैक्षिक योग्यता आरक्षण ये सब तो आप लोगों को पहले से ही मालूम होगा, ठीक है। तो उम्र सीमा जो है 1/8/2020 से तय किया जाएगा, उम्र सीमा 1/8/2020 से तय किया जाएगा, जैसा कि आप लोगों देख रहे होंगे, ठीक है। उम्र भी बहुत है, ठीक है दोस्तों। तो आगे आप लोग देख रहे होंगे शारीरिक क्षमता मेघा सूची, इसका जो फीस है यानी फी जो जमा करना है, समान अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपये, यानी जनरल कैंडिडेट के लिए 600 फीस रखा गया है। बिहार राज्य के जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति है उनके लिए 150 रखा गया है और महिला उम्मीदवारों के लिए भी 150 रखा गया है। साथ साथ महिला उम्मीदवारों के 35% आरक्षण भी है। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए भी 150 फी रखा गया है, ठीक है। और सभी उम्मीदवार यानी अन्य उम्मीदवार के लिए 600 फीस रखा गया है। प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो सिलेबस आप लोग देख लें, सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है, जैसा कि कहा जा रहा था या लोग अफवाह फैला रहे थे कि प्रारंभिक परीक्षा इस बार सिलेबस में बदलाव होगा, सिलेबस में कोई बदलाव नहीं किया गया है। जैसा पहले PT का एग्ज़ाम होता था उसी तरह से PT का एग्ज़ाम होगा। सबसे बड़ी बात है BPSC की तरफ से कि PT के एग्ज़ाम की संभावित डेट भी जो 27 दिसंबर 2020 को रखा गया है, संभावित डेट भी BPSC के तरफ से घोषित कर दिया गया है। ये विभिन्न जो पद हैं और विभिन्न जो विषय हैं उनका कोड दिया गया है। प्रारंभिक परीक्षा में ही मुख्य परीक्षा का एक सब्जेक्ट चुनना रहता है। ऑनलाइन जो
आवेदन भरने की तिथि है वो 28 सितंबर 2020 को प्रारंभ होगी, वहीं 20 अक्टूबर 2020 तक भराएगा फॉर्म, यानी 28 सितंबर 2020 से शुरू होकर 20 अक्टूबर 2020 तक फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका फॉर्म से संबंधित हो गया और इसकी वेबसाइट पे दिया है नोटिफिकेशन, वेबसाइट आप लोग देख सकते हैं इसका, और इसकी तैयारी में आप लोग जी जान से लग जाइए। 562 वैकेंसी कम नहीं होता, 562 वैकेंसी बहुत है, इसी में लग जाइए। एसटीएम का पोस्ट नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन पोस्ट तो हैं, अच्छे अच्छे पोस्ट हैं, इस पोस्ट में आप लोग जी जान से लग जाइए ताकि इस बार सफलता मिल जाए आर और पार वाले, क्योंकि अगला बार कहा नहीं जा सकता है कि सिलेबस चेंज होगा या नहीं होगा। अगर हो गया तो बहुत अच्छा चांस सभी के पास से चला जाएगा, यानी आज से ही लग जाइए। और आर और पार वाली एकदम कठिन परिस्थितियों में, कोई भी परिस्थिति हो, आर और पार वाली का दिमाग में बिठा लीजिए कि या तो इस बार सिलेक्शन लेना है और एकदम हमको समझिए कि गंगा उस पर चले जाना है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया बीपीएससी की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसका सबसे महत्वपूर्ण है कि 562 पोस्ट रखा गया है और पीटी का एग्जाम भी संभावित घोषित कर दिया गया है जो 27 दिसंबर 2020 को रखा गया है। वहीं ऑनलाइन फॉर्म भराने का तिथि 28 सितंबर 2020, वहीं से लेकर के 20 अक्टूबर 2020 तक रखा गया है। तो ये है दोस्तों बीपीएससी के तरफ से बहुत बड़ी खुशखबरी आया है। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके, थैंक, बाय बाय दोस्तों।